दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑप्शन साइकोलॉजी में। दोस्तों, थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डेली वीडियो प्रोवाइड करूँ। आज जो मेरा प्रॉफिट रहा है उसके बारे में भी मैं बात करूँगा, और उसके अलावा कल मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, और आपका स्ट्रेटजी कल के लिए क्या होनी चाहिए, कल मीन्स मंडे के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेचुरल गैस की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे मैसेज करके पूछा है कि सर, आपने ऐसा क्या देखा कि नेचुरल गैस में आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं योर इंट्राडे कोर्स से, उन लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को सारा अपडेट करता रहता हूँ। अभी बीच में मैं 2-3 दिन से क्रूड के और बैंक निफ्टी के लेवल आपको नहीं दे पाया। उसका रीज़न ये है कि मैं जो है थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं आप लोगों को लेवल नहीं दे पाया, लेकिन आगे मैं आपको लेवल देता रहूँगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर, आप के लेवल नहीं आ रहे हैं, सर मैं लेवल देखकर ट्रेड करता हूँ। तो डेफिनेटली आपको लेवल मिलेंगे, बस केवल दिक्कत ये थी कि मैं घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, जिसकी वजह से अभी भी हैं, जिसकी वजह से मैं उनको समय दे रहा था, आप लोगों को समय नहीं दे पाया। लेकिन चलिए बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये 23 सितंबर है, और 23 सितंबर को मैंने नेचुरल गैस बाई की थी 3 लॉट 135.10 पे, और उसी दिन वो 154.30 पर क्लोज़ हुई थी, और मेरा प्रॉफिट जो था वो 72,000 के आसपास था। उस दिन मैंने इसको सेल नहीं किया था, आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मल में इसको बाई किया था। उसके नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, और उस दिन मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपये से ऊपर था, और इस दिन मैंने 162 का स्टॉप लॉस लगाया था। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, हालांकि नेचुरल गैस अभी भी ऊपर ट्रेड कर रही है, लेकिन मैं जब एक बार प्रॉफिट बुक कर लेता हूं तो उसके बाद मैं दोबारा इसमें नहीं जाता हूं। तो ये चीज़ आप समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताता हूं कि कैसे क्या करना है, और मैंने क्यों लिया था उसके बारे में भी हम आपसे बात करते हैं। तो मैं चलता हूँ नेचुरल गैस के चार्ट पर। ये देखिए, मेरा नेचुरल गैस का आवरली चार्ट है। ये मेरा पहले से ही एक लेवल बना हुआ था, जब निफ्टी कहाँ, ये सॉरी नेचुरल गैस इस जगह पर कहीं थी, जब नेचुरल गैस इस जगह पर कहीं थी, तभी से मैंने, मेरा ये सपोर्ट लेवल था कि मैं अगर इसको बाई करूँगा तो इस लेवल पर करूँगा। आप देखिए, 21 जुलाई को एक बार इसी लेवल पर नेचुरल गैस सपोर्ट लेकर ऊपर चली थी। आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी नेचुरल गैस ने रेजिस्टेंस लिया था, और जब इस रेजिस्टेंस जोन को इसने क्रॉस किया था, आप ध्यान से देखिए, जब इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस किया था तो एक बहुत लंबी रैली इसने दी थी। तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर अगर इस जोन में जब भी ये नेचुरल गैस आया है, इसने एक रिवर्सल दिया है। तो ये जोन हमने पहले से ही मार्क करके रखा था, आप देख सकते हैं 133 से 135 के बीच में ये जोन था। तो जब क्या हुआ, 15 मिनट के चार्ट पर आपको लेके चलता हूँ मैं। 23 सितंबर को क्या हुआ, आप बड़े ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से गिरा, इसके बाद ये लगातार गिरता गया। एक दिन इसमें तेज़ी से मूवमेंट आया, लेकिन उसके बाद ये वापस नीचे आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये इस जोन में लगातार बना हुआ है। एक बार इसने इस जोन के सपोर्ट लेवल को टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया, चौथी बार टच किया, और 5वीं बार भी यहाँ से। तो जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया, ये लेवल 135.10 का लेवल है,
तो 135 पॉइंट के आसपास जैसे ही आया मैंने इसमें एंट्री ली और मेरा स्टॉप लॉस केवल 133.50 का था, मतलब 133। मैं इसको थोड़ा सा इस साइड कर दूं, आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं 133.27, तो मैंने इसका ले जो स्टॉप लॉस था वो 133.50 ही रखा था और 135.10 पर मैंने एंट्री बनाई थी। तो आप देख सकते हैं हमारा जो स्टॉप लॉस था वो केवल 1.60 रुपये का स्टॉप लॉस था, तीन लॉट का जो मेरा स्टॉप लॉस था वो 133.50 का था। और आपने यहाँ देखा एक स्पष्ट इन्होंने डब्लू पैटर्न बना है और इस डब्लू पैटर्न का मिड पॉइंट भी हमारा 133.10 था। जब इसने इसको ब्रेक किया तो मैंने 1.60 रुपये के स्टॉप लॉस से इसमें एंट्री बनाई और मैंने इसको होल्ड किया। चूंकि मैंने नॉर्मल में लिया था, मेरे ये दिमाग में था कि हाँ मैं इसको पोजिशनली होल्ड करूँगा, लेकिन स्टॉप लॉस में स्ट्रिक्ट रखा था। उसका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखने का रीज़न था क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे जाता तो आप देखिए, अगर मैं इसको आवरली चार्ट पर ले जाऊँ या डेली चार्ट पर ही ले जाता हूँ तो आप देखिए ये इसके बाद फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यानी अगर इसने इस लेवल को तोड़ा तो पता नहीं ये कहाँ तक जा सकता था। इसलिए मैंने स्टॉप लॉस केवल 1.60 रुपये हमने रखा था। तो यहाँ पर मैंने जब ये इसको लिया उसके बाद आपने देखा कि मार्केट में एक बहुत तेज़ मूवमेंट आया। आज भी नेचुरल गैस 162.50 पे अभी ट्रेड कर रहा है, मैं 162 पर एग्ज़िट हो गया। कोई बात नहीं, 1 लाख का प्रॉफिट कम नहीं होता। दूसरा, इस पे जो मैंने जो ये प्रॉफिट लिया था जो आप देख रहे हैं 1,03,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट था, इसके पीछे एक और रीज़न था। केवल मैंने ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखकर ट्रेड नहीं लिया था। हमेशा याद रखिए, नेचुरल गैस बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं और नेचुरल गैस में न्यूज़ हमेशा इफ़ेक्टिव होती है। जब भी न्यूज़ आती है तो आप समझिए नेचुरल गैस का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर आप न्यूज़ जो है वो कहाँ पर देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 23 सितंबर की बात है। और इसके न्यूज़ के लिए मैं चलता हूँ investing.com की साइट पर। ये देखिए investing.com की साइट है। investing.com की साइट पर आप नेचुरल गैस पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पर न्यूज़ एंड एनालिसिस का ऑप्शन देता है। आप 23 सितंबर की न्यूज़ पर आइए, ये 22 सितंबर को ही नेचुरल गैस प्राइस प्रेडिक्शन था यहाँ पर और ये एक न्यूज़ आई थी कि कूल वेदर इज़ कवरिंग द मिड ईस्ट। नेचुरल गैस के लिए यही न्यूज़ एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और जब कूल वेदर की फोरकास्टिंग होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा मिड वेस्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस की खपत होती है। और नेचुरल गैस के लिए जो ये न्यूज़ आई वो ऐसी जगह पर आई जहाँ पर सपोर्ट बहुत अच्छा था। तो एक तो वो कारण था और दूसरा कारण जो था वो इस न्यूज़ का था। इस न्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए और अगर आप आगे भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगातार न्यूज़ आपको मिलेगी। यहाँ पर इन न्यूज़ को आप लोग देखा करिए। इस न्यूज़ से पता चलता है कि नेचुरल गैस में मूवमेंट किस साइड में हो सकता है और कहाँ पर हो सकता है। तो इस न्यूज़ का इफ़ेक्ट था, प्लस बहुत अच्छा जो सपोर्ट था वो सपोर्ट पर हमने इस नेचुरल गैस को बाय किया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये नेचुरल गैस 200 भी अभी क्रॉस कर सकती है। लेकिन अब मैं नेचुरल गैस में जो अगली एंट्री बनाऊंगा वो एंट्री मैं बनाऊंगा इस हाई के ऊपर, इसके पहले मैं इसमें एंट्री नहीं बनाने वाला। जब ये हाई टूटेगा जो इसने बनाया है तब मैं इसमें एंट्री करूंगा और मेरा टारगेट रहेगा, ये 172 के आसपास है और मेरा टारगेट रहेगा 180 और 190 का। और जब मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा तो यहाँ पर जब मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा होगा और इसको ब्रेक करेगा
तब मैं एंट्री बनाऊंगा, और एंट्री बनाने के लिए स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मेरा जो स्विंग लो होगा उधर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो मैं उस स्टॉप लॉस को लेकर और इसमें 180-190 टारगेट के लिए मैं दोबारा एंट्री बनाऊंगा। जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता है मैं एंट्री बाई की नहीं बनाने वाला। तो आप लोग भी अगर एंट्री बनाना चाहें तो इस हाई का ध्यान रखिए, जैसे ही ये हाई ब्रेक हो आप एंट्री ले सकते हो और स्टॉप लॉस जो आप रखोगे वो उसके पहले का स्विंग लो होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट स्विंग लो के लिए जो स्विंग लो है, एक्यूरेट स्टॉप लॉस के लिए जो स्विंग लो है उसमें आप करीब करीब 20 पैसे का बफर लगाइएगा और इस ट्रेड में आप आ जाइए। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलता रहे वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। आपका स्टॉप अगर मार्केट 2-3 रुपये ऊपर चला गया आप स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए, जिससे आपका डर ख़त्म हो जाएगा कि मैं लॉस में जा सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेचुरल गैस, तो मैं नेचुरल गैस में 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट के पीछे मेरा क्या साइकोलॉजी थी, क्या दिमाग था, वो मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आज के प्रॉफिट की। आज जो मेरा प्रॉफिट हुआ है उसके लिए हम चलते हैं आज के हमारे चार्ट पर। ये देखिए, आज का जो मेरा प्रॉफिट है वो है 58,681 रुपये, 58,681, और ये हुआ है ऑप्शन से। अब ऑप्शन में मैंने 19,500 की पुट ली, उसमें 33,000 का प्रॉफिट हुआ। 19,700 की पुट ली, उसमें 15,000 का प्रॉफिट हुआ। 20,000 की पुट ली और 20,200, ये चार स्ट्राइक प्राइस की मैंने पुट ली है। और कॉल जो है मैंने एक अपने आप को सेव करने के लिए ली थी, क्योंकि मार्केट जब इतना तेज़ी से गिरता है और जब वो रिकवरी देता है तो वी सेव रिकवरी देता है, तो मुझे डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट फिर से कुछ गड़बड़ करे, इसलिए मैंने सपोर्ट के लिए ये दो कॉल्स सेल की थी, वो थी 21,200 और 21,500। जबकि एक्चुअली राइट सपोर्ट जो हमको दिख रहा था वो 21,000 के आसपास था, उसकी भी मैं अभी आपसे बात करूँगा। तो चलते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे। कल के लिए क्या कर सकते हो आप, मेरे ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये तब के बने हुए हैं जब ये मार्केट 22 के ऊपर था, और पहले भी था, मैंने उनको अभी डिलीट कर दिया, लेकिन ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इन लाइंस को हटाया नहीं है, रिमूव नहीं किया है, केवल इसलिए कि आपको पता चले कि हाँ मार्केट में कहाँ कहाँ हमको रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। तो आज की बात करते हैं, आज मार्केट देखिए इस जगह ओपन हुआ, ओपन होते ही साथ इसमें बिकवाली आई, और बिकवाली आने के बाद मतलब सेलर के हावी होने के बाद ये मार्केट थोड़ा नीचे गया, लेकिन इस जगह पर इसने एक रेजिस्टेंस लिया और इसने अपने प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक नहीं किया। प्रीवियस डे का लो था 20,404 का, इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो आखिरकार जो इसने लो बनाया वो लो ये था। इस जगह पर जब ये मार्केट था आप देख सकते हैं कि ये जो था लगभग लगभग 20,500 के आसपास था, 480 के आसपास था ये, तो 20,480 के आसपास था, तो मैंने 1,000 पॉइंट नीचे मैंने पुट को सेल किया और 1,000 पॉइंट ऊपर मैंने कॉल को सेल किया। अब आप कहेंगे कि 1,000 पॉइंट का आपने डिफरेंस क्यों रखा, मैंने 19,500 से स्टार्ट किया, जैसे जैसे मार्केट ऊपर चला मैं 19,700 पहले 500 को सेल किया, फिर 19,700 को सेल किया, फिर 20,000 को सेल किया, फिर 20,200 को सेल किया, ये चार तो मैंने पुट के ऑप्शंस को सेल किया था, और यहाँ पर मैंने 21,500 यहाँ कहीं पर 21,500 क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर लेवल को मैंने सेल किया था और 21,200 को मैंने सेल किया था। अब इसके पीछे रीज़न क्या था, हम लोग चलते हैं
चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर जब हम लोग चलते हैं तो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस पे है, 21,000 पे। तो ये तो निश्चित था कि 21,000 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा, या 21,000 को ब्रेक करके मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाएगा, ये कन्फर्म था। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो 20,500 आपने देखा कि मैंने जो स्टार्ट किया था वो 20,000 से स्टार्ट किया था, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ था, 20,500 पर। लेकिन मार्केट जब मॉर्निंग में चल रहा था तो 20,500 के आसपास, ये देखिए 20,500 के आसपास इसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। जब मैंने ये देखा कि 20,500 पर ये रुक रहा है और बार बार ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था, तो मैंने ओपन इंटरेस्ट का चार्ट खोला, और खोलने के बाद हमने देखा कि इसका नेक्स्ट जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 20,000 पे। फिर भी चूंकि आज क्या था, फ्राइडे, देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपने मुझको एट द मनी पर भी ट्रेड करते हुए देखा है, लेकिन आज क्या था, फ्राइडे था, मार्केट लगातार 3-4 दिन से नीचे की तरफ गिर रहा था, बार बार वो सपोर्ट तोड़ रहा था। तो हमको अगर फ्राइडे के दिन आपको ट्रेड करना है और अगर आपको एक स्ट्रेंगल के रूप में ट्रेड करना है तो आप ट्रेड ले सकते हो 1,000 पॉइंट दूर पर। आप देखिए कि रेजिस्टेंस कहाँ है, तो 20,000 पर और 19,500 पर। तो मैंने क्या किया, 19,500, 19,700, 20,200 और 20,000, इनके पुट को मैंने सेल किया था क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट था और मार्केट खड़ा हुआ था इस जगह पर 20,500 पर। तो जब मार्केट 20,500 पर था, आप देख सकते हैं ये 20,500 पर था, तो 20,500 के पहले आपको सपोर्ट कहाँ दिख रहा था, 20,000 पर दिख रहा था, और उसके बाद सेकंड सपोर्ट आपको कहाँ दिख रहा था, 19,500 पर। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप जिस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं और वो लेवल किस दिन हो, फ्राइडे वाले दिन हो और मंडे वाले दिन, केवल दो दिन की बात करूंगा, फ्राइडे वाले दिन और मंडे वाले दिन अगर ये लेवल है, तो आप इसके पहले का नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट देखिए और उसके पहले का नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट देखिए। आप चाहें तो अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इसको भी सेल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको भी सेल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इन दोनों के बीच वाले स्ट्राइक प्राइस को भी सेल कर सकते हैं। जनरली जब मार्केट यहाँ होता है तो मैं इसी को सेल करता हूँ, यानी मैं अगर यही दिन मेरा वेडनेसडे होता, थर्सडे होता, तो मैं 20,500 को ही सेल करता। लेकिन सेल ना करने का रीज़न, मार्केट किस डायरेक्शन में था, मार्केट था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप देखेंगे मार्केट कहाँ से, यहाँ से लगातार ये डेली कोई ना कोई सपोर्ट तोड़ता हुआ नीचे आ रहा था, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और जब कोई मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो हमें भी नहीं पता होता है कि ये मार्केट कहाँ तक जाएगा, इसलिए केवल सिक्योरिटी के पर्पस से मैंने, केवल सिक्योरिटी के पर्पस से मैंने दूर का स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया है। समझ रहे हैं आप क्यों मैंने चूज़ किया। और उसके बाद आप देखें रेजिस्टेंस 21,000 पर था और 21,500 पर था, यही रीज़न है, और इन दोनों के बीच 21,200 पर था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा दूर, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट जब इतना तेज गिरावट आती है तो मूवमेंट भी थोड़ा फास्ट होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 21,000 के आसपास 21,500 और 21,200 का कॉल सेल किया, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा था, मुझे मालूम था कि ये 21,000 क्रॉस करने में मुश्किल आएगी, लेकिन चूंकि 21,000 क्या था, इमीडिएट सपोर्ट था, लेकिन हमको क्या देखना था, उसके बाद वाला सपोर्ट देखना था। क्यों, क्योंकि हम एक्सपायरी के 5 दिन पहले खड़े हुए हैं, इसलिए हमको नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होता है, और जब हम लोग एक्सपायरी के नज़दीक आते हैं तो जो करेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उसको हम देखते हैं। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। दूसरा चीज़, अब आप कहेंगे कि सर मैंने पुट ज़्यादा क्यों लिए, अगर मैं अपने इस पर जाएं
तो मेरे आप देख सकते हैं पुट की संख्या ज़्यादा है और कॉल की संख्या कम है। उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, ये देख रहे हैं कॉल वालों ने भागना शुरू कर दिया, कॉल वालों ने यहाँ पर भागना शुरू कर दिया। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जब कॉल वाले भागना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि सपोर्ट कैसा हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। भले देखिए ये चीज़ें आपको केवल यहीं समझ में आएंगी एक्चुअल चार्ट देखने पर। अगर यहाँ पर चलते हैं इसके चार्ट पर, बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं, तो मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी के चार्ट पर अगर आप चलते हैं तो आप देखेंगे कि सपोर्ट अभी भी बहुत तगड़ा है, सपोर्ट की तुलना में रेजिस्टेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कहाँ पर जाता है, 21,000 के आसपास रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ और इसके बाद रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कम है। सेम स्थिति निफ्टी की है। तो रेजिस्टेंस इतना तगड़ा होने के बाद मुझे पता था कि ये 21,000 को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन फ्राइडे होने की वजह से थोड़ा सा मैंने दूर का कॉल को शॉर्ट किया था। और दोस्तों, जो भी चीज़ आप सोचते हो उसको आपको अप्लाई करना चाहिए। इसको मैंने अप्लाई किया, 58,681 का मेरा इसमें प्रॉफिट हुआ। और मैं इतना श्योर था कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, 20,500 को ब्रेक नहीं करेगा या उसके नीचे सस्टेन नहीं हो पाएगा। मैंने क्या किया आप देख सकते हैं, मैंने दो पोजीशन भी बनाई थी 20,507 पर, 507 पर, और ये मैंने पोजीशन देखी है नॉर्मल में बनाई है, और इसमें भी मुझे 21,427 का प्रॉफिट हुआ है। तो वहाँ पर तो मैंने एट द मनी नहीं काम किया, लेकिन यहाँ पर मैंने एट द मनी काम किया, 20,507 पर मैंने सिर्फ दो लॉट लिए हैं और इसको मैंने पोजिशनली लिया था, 21,427 का मुझको प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट 80,000 से ज़्यादा का रहा आज का प्रॉफिट। तो ये तो हमारे प्रॉफिट की बात हो गई। अब मैं कल के लिए आपको सिनारियो बताता हूँ कि कल क्या हो सकता है, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसा मैंने आपको ये चार्ट दिखाया, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, आप दोनों में देखेंगे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट की तुलना में ज़्यादा है। हालांकि रेजिस्टेंस फेस कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है, बैंक निफ्टी, निफ्टी में रेजिस्टेंस और कम है सपोर्ट की तुलना में, लेकिन बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है 21,000 पे। तो जब तक बैंक निफ्टी ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, जब तक बैंक निफ्टी 21,442 को, यानी ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक नहीं करता है, इसमें बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस कम है। और जहाँ तक मुझको लगता है कल मार्केट जो है नेगेटिव ओपन होना चाहिए, और नेगेटिव होने के बाद पहले इनिंग में इसमें एक शार्प गिरावट आ सकती है और उसके बाद मार्केट में फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो जो मेरे को चार्ट देखकर लग रहा है, अगर गैप अप ओपन नहीं होता है मार्केट, अगर गैप अप ओपन नहीं होता है, अगर फ्लैट ओपन होता है, तो मार्केट में पहले एक घंटे में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, बाद में मार्केट इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि मार्केट खुलने में के बाद ये किस टाइप का प्राइस एक्शन बना रहा है, और इसमें प्योर बाइंग अगर आप देखेंगे तो प्योर बाइंग 21,442 के बाद ही आएगी। तो अगर आप कल अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो 21,500 का कॉल सेल कर सकते हैं और 20,000 का पुट सेल करके कल चल सकते हैं। तो ये बात थी बैंक निफ्टी की। अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका एक
रेजिस्टेंस जोन है और निफ्टी ठीक उस रेजिस्टेंस जोन के पास से बैक हुआ है। तो हो सकता है कल निफ्टी भी जो अभी 11,035 पर है, अगर कल निफ्टी 11,000 का लेवल बरकरार रखती है तो ये इसका जो अगला टारगेट होगा वो 11,185 होगा। तो अगर आप कल चाहें 11,000 तक निफ्टी को पहले आने दीजिएगा, अगर मार्केट में शुरू के समय में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, इसे 11,000 के आसपास आने दीजिएगा। जब ये 11,000 के आसपास आए और सपोर्ट लेकर ऊपर चलना शुरू करे, तब आप क्या कर सकते हो, 10,800 का या 10,900 का और 10,800 का पुट सेल कर सकते हैं और इसको भी एक रेजिस्टेंस मिलेगा 11,085 पर और दूसरा रेजिस्टेंस आपको जो मिलेगा वो 11,258 पर है। तो इसका मतलब है कि 258 के ऊपर आपको कौन सी कॉल मिलेगी, 11,300 की कॉल मिलेगी। तो आप 11,300 की कॉल को सेल कर सकते हैं और 11,000 की पुट 11,000 कहना है 10,900 की पुट को सेल करके चल सकते हैं मंडे को। तो ये मंडे के लिए मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया। मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के इस वीडियो को देखकर आप मंडे के लिए पहले से प्रिपेयर रहिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस तरह मैंने बताया है, अगर मार्केट की ओपनिंग वैसे ही होती है तो आप इसमें अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आज का जो मेरा प्रॉफिट था वो कैसा, कितना हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो योर इंट्राडे कोच का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और उसके अलावा आप ऑप्शन साइकोलॉजी का मेरा चैनल है, उस ऑप्शन साइकोलॉजी के चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, जब मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर ये स्क्रीनशॉट डाला था, कहाँ गया ये स्क्रीनशॉट, तब मेरा प्रॉफिट जो था वो ऑलरेडी 27,000 था। मैं थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन जो लोग अभी नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ऑप्शन साइकोलॉजी वाले चैनल पे मैं तुरंत जब भी लेता हूं कोई भी एंट्री तो मैं तुरंत इसको डाल देता हूं। तो जो लोग ऑप्शन से रिलेटेड हैं वो लोग ऑप्शन साइकोलॉजी के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ऑप्शन साइकोलॉजी का चैनल है मेरा, जिसमें केवल ऑप्शन से संबंधित आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैंने टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। योर इंटरडे कोच और ऑप्शन साइकोलॉजी, दोनों टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऑप्शन साइकोलॉजी वाले चैनल पर जुड़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी मैं ट्रेड लूँगा उसको देखकर आप ट्रेड ले सकते हैं। मैं स्टॉप लॉस भी बाकायदा बताता हूँ, उस स्टॉप लॉस को लेकर आप अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं और अपनी ग्रीड के अकॉर्डिंग जब आपको प्रॉफिट हो तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जो दूसरा मेरा चैनल है वो है योर इंट्राडे कोच। योर इंट्राडे कोच में आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि मैं यहाँ पर आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल, बैंक निफ्टी और क्रूड के लेवल्स आपको देता हूँ। तो इन लेवल्स को देखकर भी आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।